हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आगे के वीडियो में हमने पेज नंबर 78 तक देखा, तो आज स्टूडेंट सभी पेज नंबर 79 निकालो। निकाला सबने? ओके, चलो देखते हैं। वॉटर वॉटर, द टेबल शोज द वॉटर यूज इन वन डे बाय अ फैमिली ऑफ फाइव पीपल। दे लिव इन गुडालूर विलेज। चलो यहाँ एक टेबल शो किया हुआ है, दिया हुआ है आपको, और उसमें कितना वाटर यूज करते हैं। एक फैमिली है जिसमें फाइव लोग रहते हैं और उनके वो विलेज, उनका विलेज है, वो रहते हैं गुडालूर विलेज में रहते हैं। तो फाइव पीपल वन डे में कितना वाटर यूज करते हैं, ये आपको दिया है स्टूडेंट्स इस टेबल में। चलो देखते हैं एक्टिविटी। वॉटर इन लीटर, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग में 30 लीटर, वॉशिंग क्लोथ में 40 लीटर, क्लीनिंग पोट एंड पैन 20 लीटर, बाथिंग में 75 लीटर, टोटल वॉटर यूज बाय देम। तो चलो कितना वॉटर वो यूज करते हैं स्टूडेंट्स, चलो यहां देखते हैं, एडिशन करते हैं हम। तो ये फाइव, तो यहां क्या आएगा फाइव, यहां देखो थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन प्लस टू कितना होता है स्टूडेंट नाइन, नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन, यानी कि 165 लीटर्स। कितना पानी यूज करते हैं वह 165 लीटर। चलो यहां देखो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वॉटर डज योर फैमिली यूज इन अ डे, गेस एंड फिल इन दिस टेबल। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी जो फैमिली है एक दिन में कितना पानी यूज करती है वो आपको यहाँ लिखना है। ओके, इस टेबल में आपको गेस करके ये टेबल पूरा कंप्लीट करना है। तो पहले यह एक्टिविटी, वॉटर यूज इन बकेट, यहां आपको बकेट लिखने हैं, वॉटर यूज इन लीटर, और आपको यहां उसके कितना लीटर पानी उसमें आता है ये लिखना है। चलो देखते हैं स्टूडेंट्स, तो कुकिंग एंड ड्रिंकिंग, मैं अपनी बात कर रही हूं, आप कुछ अलग भी लिख सकते हो यार स्टूडेंट्स। कुकिंग एंड ड्रिंकिंग में टू बकेट्स 20 लीटर, वॉशिंग क्लॉथ में फाइव बकेट्स तो 50 लीटर, क्लीनिंग पोट एंड पैंट्स में वन बकेट तो 10 लीटर, बाथिंग में सिक्स बकेट तो 60 लीटर, मोपिंग में वन बकेट तो 10 लीटर, ग्रेडनिंग में फोर बकेट तो 40 लीटर, वॉशिंग कार में टू बकेट्स तो 20 लीटर, और इन टॉयलेट में नाइन बकेट्स तो 90 लीटर। ये मैं अपने घर की बात कर रही हूं, मेरी फैमिली की बात कर रही हूं स्टूडेंट्स। आपके फैमिली में जितना पानी यूज हो सकता है उतना आपको इस चार्ट में लिखना है। तो चलो अब क्या करना है आपको, कितने बकेट पानी यूज किया आपने और टोटल कितना पानी हुआ ये आपको लिखना है स्टूडेंट्स। चलो पानी कितना हुआ ये देखते हैं स्टूडेंट्स हम। पहले तो यहां देखो इस लाइन में तो जीरो ही है, तो जीरो लिख दिया मैंने। नाइन इलेवन, इलेवन प्लस फोर कितने होते हैं, इलेवन प्लस फोर फिफ्टीन, सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री प्लस फाइव ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट प्लस टू थर्टी, यानी कि 300 ml। चलो बकेट कितने हुए, नाइन इलेवन फिफ्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी एट और थर्टी, थर्टी बकेट्स हुए और 300 लीटर पानी हुआ। ड्रॉप एंड ड्रॉप मेक ओशियन, इज देयर एंड टैप इन योर स्कूल और योर होम विच इज लीकिंग। क्या स्टूडेंट आप ने देखा है
कि आपकी स्कूल या घर पे आपने कभी जो आपका टैप है वो लीक होते हुए देखा है स्टूडेंट्स? देखा है? तो यस, हाउ मच वाटर डू यू थिंक वी वेस्ट थ्रू अ लीकिंग टैप? तो उसमें कितना पानी वेस्ट होता होगा स्टूडेंट्स? जो ये टैप है वो लीक हो रही है, उससे कितना पानी वेस्ट हो रहा होगा? प्लेस योर लीटर जार बिलो द लीकिंग टैप सो अस टू कैच ऑल द ड्रॉप इन द बॉटल, नॉट द टाइम आफ्टर 1 आवर चेक हाउ मच वॉटर इज इन द बॉटल। तो स्टूडेंट्स, मेरा जो टैप था, नल था, वो लीक हो रहा था। क्या हो रहा था? लीक हो रहा था। तो मैंने क्या किया उसमें, आपको भी करना है ये एक्टिविटी घर पे, आपके घर पे या आपके फ्रेंड के घर पे, अगर कोई नल है या टैप है वो लीक हो रहा है, तो आपको क्या करना है, देखो। 1 लीटर हमने जार पहले बनाया था ना, बॉटल हमने बनाई थी 1 लीटर की। तो जो लीक होता है पानी, उसको आपको उसके नीचे रख देना है और पूरा पानी उसमें भर देना है। जो पानी लीक होता है वो पानी उसमें कैच कर लो, समझ में आ रहा है? उसके नीचे बॉटल रख दो तो उसमें पानी पड़ेगा। और नॉट एट द टाइम, नॉट द टाइम, आपको वो टाइम नोट करना है। आफ्टर 1 आवर चेक हाउ मच वॉटर इज इन द बॉटल, और 1 आवर के बाद आपको चेक करना है कि इस बोतल में कितना पानी आया, समझ में आ रहा है? पहले तो आप प्लेस योर लीटर जार बिलो द लीकिंग टैप सो अस टू कैच ऑल द ड्रॉप इन द बॉटल। जो टैप लीकिंग हो रही है तो जो उसके ड्रॉप पड़ रहे हैं नीचे, तो उसको बॉटल में आप क्या करो, कैच कर लो और टाइम नोट करो। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 आवर में कितना पानी आपने कैच किया उस बॉटल में, ये आपको चेक करना है। तो मैंने चेक किया स्टूडेंट्स, तो 1 आवर में 1 लीटर पानी उसमें था। मैंने अपनी बॉटल जो 1 लीटर की बनाई थी, मैंने वो नल के नीचे रखी जो लीक था, तो 1 आवर में 1 लीटर पूरा भर गया। आप घर पे ये एक्टिविटी करना स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं पीछे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या करे, फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज वेस्टेड इन अ डे। तो पूरे एक दिन में कितना पानी वेस्ट होता होगा स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, 1 आवर में, सॉरी 1 आवर में हमने देखा कि 1 लीटर पानी, तो पूरे एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं ना। तो 24 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 24 मल्टीप्लाई 1 लीटर इक्वल 24 लीटर। तो एक दिन में कितना पानी वेस्ट होगा स्टूडेंट्स, 24 लीटर। चलो ऐसे ही दूसरा यहां दिया है, इन अ वीक, एक वीक में कितना पानी वेस्ट होता होगा, तो आपको बताए स्टूडेंट्स, 1 डे में 24 लीटर होता है, 1 आवर में 1 लीटर, 24 आवर में 24 लीटर। तो 24 मल्टीप्लाई 24 लीटर मल्टीप्लाई 1 वीक में कितने डेज होते हैं स्टूडेंट्स, 7 डेज। तो इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, 24 मल्टीप्लाई 7, 4 7 जा 28 का 8, 2, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 168 लीटर। 1 डे में 24 लीटर और 1 वीक में, यानी कि 7 डेज में 168 लीटर पानी वेस्ट होता होगा। चलो मंथ में कितना होगा, तो चलो एक दिन में कितना होता था स्टूडेंट, 24 लीटर मल्टीप्लाई 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30, 31 या 28, 29 होते होंगे, लेकिन यहाँ हम 30 लिख देते हैं स्टूडेंट्स, 30।
तो चलो उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 24 मल्टीप्लाई 30, 4 थ्री जा 12, 2 थ्री जा 6 और 1 7, चलो यहाँ 0, यहां से भी 0, चलो आंसर आ गया हमारा 720 लीटर। वन मंथ में कितना पानी वेस्ट होता होगा स्टूडेंट, 720 लीटर इन अ ईयर। चलो पूरे साल में कितना पानी वेस्ट होता होगा स्टूडेंट, चलो देखते हैं। पहले तो ईयर में कितने मंथ होते हैं स्टूडेंट्स, वन ईयर में 12 मंथ, पता है आप सबको। 12 मल्टीप्लाई वन मंथ में कितना हुआ 720 लीटर, तो हम उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 720 मल्टीप्लाई 12, चलो इसका जीरो रखा, जीरो बन जा जीरो, टू बन जा टू, सेवन बन जा सेवन, जीरो टू जा जीरो, टू टू जा फोर, सेवन फोर जा सेवन, टू जा फोर्टीन, जीरो फोर सिक्स एट, 8,640 लीटर स्टूडेंट्स। कितना होगा या कितना होगा स्टूडेंट्स, 8,640 लीटर्स। देखा हमने स्टूडेंट्स, एक दिन का 24 लीटर, सेवन डेज का 168 लीटर्स, पूरे एक मंथ का 720 लीटर्स। तो एक मंथ को या 12 मंथ के साथ मल्टीप्लीकेशन किया हमने, तो कितना है 8,640 लीटर्स। यहां देखो स्टूडेंट्स, एक पजल दी है लास्ट में आपको, एट द मिल्क सोसाइटी, चेलेनूर विलेज हैज मिल्क सोसाइटी, ये चेलेनूर विलेज है, इसमें एक मिल्क सोसाइटी है। गीता एंड अमिनी वॉन्ट देयर टू बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क, गीता एंड अमिनी क्या करने के लिए, 4 लीटर मिल्क लेने के लिए वहां जाती है। बट द मैन कुड नॉट फाइंड द 1 लीटर मेजर, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मैन है उसके पास 4 लीटर का क्या नहीं है, 4 लीटर उसे मिल्क चाहिए, लेकिन उसके पास 1 लीटर का मेजर नहीं है, मेजरिंग नहीं है उसके पास, तो 1 लीटर दूध कैसे भर के उसे 4 लीटर मिल्क उसे दे, समझ में आ रहा है आपको। उसके पास 1 लीटर का जो मेजर होता है ना वो नहीं है, तो वो 4 लीटर मिल्क उसको कैसे दे सकता है। ही हैड ओनली 3 लीटर एंड 5 लीटर बॉटल विथ हिम, उसके पास देखो स्टूडेंट्स ये 5 लीटर का है और 3 लीटर की बॉटल है उसके पास, बट ही गेव देम एक्चुअली 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, लेकिन वो क्या करता है फिर भी उसके पास नहीं है तो भी वो 4 लीटर मिल्क इन दोनों को देता है, तो कैसे देता होगा, एक्सप्लेन हाउ ही डीड दिस। चलो कैसे देता होगा स्टूडेंट्स, ये पजल है, चलो कैसे देता होगा मैं आपको समझाती हूं। पहले आपको अपने आप सोचना है, उसके बाद आपको ये देख लेना है वीडियो में। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ये 5 लीटर की बोतल है और ये 3 लीटर की बोतल है उसके पास, तो वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये 3 लीटर की जो बोतल है और ये 5 लीटर की बोतल है, उन दोनों में क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो पहले ये 5 लीटर की जो बोतल है ना उसको पूरी मिल्क से भर देगा, और उसमें से क्या करेगा इस 3 लीटर में डाल देगा, और जब वो पूरी फिलअप हो जाए तो उसमें थोड़ा मिल्क बच जाएगा स्टूडेंट, यहां तक कुछ मिल्क बच जाता है, बच जाता है ना, तो 5 माइनस 3, उसमें 5 लीटर था ना स्टूडेंट्स, और 3 लीटर उसने इसमें डाल दिया, तो इसमें कितना बचा स्टूडेंट्स, 2 लीटर मिल्क बचा। ओके, उसने वही
एक्टिविटी दूसरी बार की, 5 लीटर के इसको, इसने इसको पहले दूसरी बार क्या किया, इसको ये 3 लीटर था उसको ले लिया इसमें बड़े में और फिर से क्या किया, इसको पूरा भर दिया और इसमें यहां डाल दिया तो 3 लीटर पूरा ये भर गया यहां तक, तो फिर से उसमें 2 लीटर बच गया स्टूडेंट्स, बचेगा ना। तो दो बार ऐसा किया, दो बार उन लड़कियों को 2 लीटर प्लस 2 लीटर मिल्क दिया तो इक्वल 4 लीटर हो गया स्टूडेंट्स। पहले इसको पूरा भर दिया, मैं एक बार समझा देती हूँ फिर से, इसको पूरा भर दिया दूध से मिल्क से और इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया तो इसमें 5 था तो 3 इसमें चला गया तो 2 रहा इसमें, वो इस लड़की को दे दिया, ये वाला जो बोतल था उसको इसमें डाल दिया या किसी और बोतल में डाल दिया, फिर से इसको इसमें मिल्क 5 लीटर भरा और इसमें डाला तो 3 लीटर इसमें आ गया, उसमें 2 लीटर बच गया तो इस लड़की को दे दिया, यानी कि 2 लीटर और 2 लीटर इन दोनों लड़कियों गीता और अमिनी को दे दिया, यानी कि उनके पास 4 लीटर हो गया। कोई दूसरी रीत हो तो भी स्टूडेंट्स आप उसको यूज करके ये पजल को सुलझा सकते हो। यहाँ टेक्स्ट बुक में हमारा चैप्टर फिनिश होता है तो आगे के जो टॉपिक है वर्कबुक के वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।